बिहार की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के 13 MLA के फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, नॉट रीचेबल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये तमाम विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में है। क्या जानकारी सामने आ रही है संजीव पाठक जी? जी, जहां तक कांग्रेस के विधायक का सवाल है, तो कांग्रेस के विधायक के संपर्क में जदयू के भी लोग हैं और कांग्रेस के विधायक के संपर्क में भाजपा के भी लोग हैं। जी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस आला कमान के रडार से बाहर निकल गए हैं। जी वहीं अभी जितने भी राजद के मंत्री थे वो जी उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी। सारे राजद के मंत्रियों ने, ठीक है हाँ, सारे राजद कोटे के जो मंत्री है वो अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी। और जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, जी उनका दावा है कि कांग्रेस के सभी विधायक जदयू के संपर्क में, बड़ी बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ा जी जी डेवलपमेंट है और वो कभी भी जदयू में शामिल हो सकते हैं, ये गोपाल मंडल का दावा। हाँ, और एक एक जानकारी ये भी आ रही है कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उनको भेजा जा रहा है यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए, विधायकों को एकजुट रखने के लिए। हालांकि पूर्णिया में राहुल गांधी के रथ यात्रा को लेकर बैठक भी होने वाली, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली, वहीं पे पूरा मतलब कांग्रेस कुनबा पूरा पूर्णिया में ही है। ऐसी सूरत में और मोहन प्रकाश जी का दावा है कि सारे विधायकों से, मेरी मैक्सिमम विधायकों से बात हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सीधे से खारिज कर रहे हैं वो लोग। प्रेमचंद्र मिश्रा भी इस बात से इनकार किए हैं। उनसे जी जब पत्रकार पूछे हैं तो प्रेमचंद्र मिश्रा भी कहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि हो सकता है कि महागठबंधन की भी सरकार बन जाए। उन्होंने तो हम पार्टी पर भी अपना दावा कर दिया है कि जो हो सकता है कि हम के सारे विधायक हमको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमसे जहां तक आपने याद दिलाया तो जीतन राम मांझी के भाव तो अचानक बढ़ गए हैं। लालू हाँ यादव ने जैसे ऑफर दिया उनको कि आप अपने विधायकों के साथ आ जाइए, संतोष सुमन जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपको सीएम भी बना देंगे, लेकिन आप आइए। तो जब लालू यादव के ऑफर की जानकारी लगी तो उससे पहले तो नित्यानंद राय मुलाकात कर ही चुके थे। अब खबर है कि सम्राट चौधरी भी दौड़े दौड़े भागे भागे उनको मनाने पहुंचे और वहां पे हम के चारों विधायक भी थे। हाँ तो जीतन राम मांझी के पार्टी के की आज बैठक है विधायक दल की, शाम 7 बजे। और उस बैठक में कहीं मांझी का मन डोल ना जाए, इसलिए ये लोग बीजेपी के लोग उनसे उनके संपर्क में। अच्छा, तो क्या क्या लगता है, मांझी का जो स्टैंड हमेशा से नीतीश कुमार की तरह ही बदलता रहा है, तो क्या लगता है कि अंतिम वक्त में वो भी गच्चा दे सकते हैं? क्या उनको लगता है कि इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में उनका फ्यूचर या भविष्य नहीं, सुरक्षित जीतन राम मांझी अब अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अब वो अपने पुत्र के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। जी? और अभी जो नरेंद्र मोदी की हवा है, तो जी जहां तक मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन की ओर अग्रसर होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट डेवलपमेंट से आप दर्शकों को वाकिफ कराएं। आपने तो बताया कि गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां वापस ले ली गई है। उधर शिवानंद तिवारी ने सांप के केचुए की उपाधि दी है, पापियों की संज्ञा दे दी है एक तरीके से, इनडायरेक्ट रूप से। उस पर से राबड़ी देवी के जो मोहभेले भाई हैं सुनील सिंह, उन्होंने भी बहुत बड़ा निशाना साध दिया है नीतीश कुमार पर। तो क्या ये माना जाए कि अब चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब वहां से चैप्टर क्लोज और यहां से नए अध्याय की शुरुआत होगी एनडीए में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। और मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जी तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी को दोबारा ताजपोशी हम आसानी से नहीं होने देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें वो शुरू से ही हम लोग ब्रेक कर चुके हैं वो खबर कि आसानी जी नहीं, जी आसान नहीं है इस बार नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री हाँ पद की शपथ लेना। जी। हाँ और लेकिन राजद की अभी बैठक चल रही है जिसमें सभी का मोबाइल बाहर ही रखवा लिया गया है। अब जी राजद की बैठक में अगले रणनीति पर क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, राजद के पास अब ऑप्शन बचा क्या है? चूंकि अगर नंबर गेम का खेल यहाँ पे चल रहा है, आप ये बताइए मुझे कि कांग्रेस के कितने विधायक टूट जाएंगे तो उनको अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी? कांग्रेस के 19 विधायक हैं,
तो जी, कम से कम इनका 10 विधायक टूटना जरूरी है, यानी 2/3 दो से। तिहाई। अच्छा, तो उसी तरीके से अगर जेडीयू में तोड़फोड़ की बातें हो रही है तो 45 के आसपास है, तो फिर 23 विधायक चाहिए होंगे अलग उसकी निश्चित मान्यता के लिए, लेकिन उतना निश्चित पॉसिबल निश्चित है क्या आपको नहीं लगता नहीं है? उतना उतना पॉसिबल नहीं है अभी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हालांकि राजद सूत्रों का जो दावा है कि जदयू के भी 12-13 ऐसे विधायक हैं जिनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है जदयू जदयू के पदाधिकारियों का। हालांकि ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, ये नहीं, अपुष्ट क्या खबरों से आपको चल रहे लगता हैं। है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे नहीं खिलाड़ी हैं या बीजेपी के कि बिना ठोक बजा के सब कुछ क्लियर किए हुए वो आगे बढ़ जाएं? जरूर उनको, उनके पास नंबर गेम है तभी वो आगे बढ़ रहे हैं, और आज तक नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि कभी वो चूके नहीं है, उनका तीर हमेशा निशाने पर लगा है। तो नीतीश कुमार का तीर अगर निशाने पर नहीं लगता तो वो फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ कैसे लेते। जी, तो नीतीश कुमार जी अपनी ओर से अपनी प्लानिंग को फुल प्रूफ करने के बाद ही ऐसा कदम उठाए। अच्छा तो जी, हाँ जी जी मुझे ये बताया जाए कि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए, 8 विधायक तेजस्वी यादव के पास कम है, उन 8 विधायकों की भरपाई अगर जोर तोड़ से हो भी जाती है तो फिर क्या उस मतलब सरकार स्थायी रूप से काम करेगी? क्योंकि मान लीजिए टूट के आएंगे तो उनकी तो सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है, और उतने ही हाँ विधायक हाँ आते हैं तो हाँ हाँ तो उसमें उसमें एक चीज सामने आ रही है, एक बात सामने आ रही है कि अगर कोई एबसेंट हो जाता है, यानी हाउस की स्ट्रेंथ ही कम हो जाती है, वैसी सूरत में मतलब एबसेंट हो जाते हैं विधायक, तो फिर चीजें इधर उधर हो सकती है, और उसमें स्पीकर की भूमिका शायद अहम रहने वाली है। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। चलिए अब सब कुछ तय नजर आ रहा है। अब बक्सर से मुख्यमंत्री लौट चुके हैं, जी, मुख्यमंत्री के आवास में भी बैठक चल रही है, और बैठक से अभी संजय झा ललन सिंह बैठक से बाहर निकले हैं, और सबके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जदयू के विधायक अब्सेंट हों। मतलब कि अब ये कहा जा सकता है कि जो चर्चा चल रही है कि कल उधर से नाता तोड़ेंगे और इधर शपथ ग्रहण समारोह होगा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का, मान सकते हैं ना ऐसा? हाँ, अभी तक की राजनीतिक संभावना यही कर रही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पाठक जी।